हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉर हाइड्रेटिंग स्किन। इसमें ग्लो भी आएगा एंड स्किन हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज भी होगी एंड नरिश होगी, क्योंकि विंटर्स में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। सो आई एम यूजिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश, जो कि वाव से है। ये वाव का ब्राइटनिंग वाइटमिन सी फेस वॉश है, जो स्किन को ब्राइटन करता है, स्किन टोन को एंड फाइन लाइंस को कम करने में हेल्प करता है एंड रिड्यूसेस स्पॉट्स। नाउ दिस इज़ नाइस फेस वॉश जो कि काफ़ी अच्छा है एंड ये 249 रुपीज़ का मिल जाएगा। देन मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का ही एलोवेरा पील ऑफ जेल मास्क है। इसको पूरे फेस पे लगा लेंगे। नाउ क्योंकि ये हाइलुरोनिक एसिड के साथ है एंड इसलिए मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करेगा, मतलब डीपली नरिश करेगा। तो उसको पूरे फेस पे लगाने के बाद इसको ड्राई हो जाने देना है, क्योंकि पील ऑफ मास्क है। एंड इससे क्या होता है, स्किन प्योरीफाई भी होती है एंड एक्सफोलिएट भी होती है, मॉइस्चराइज भी होती है एंड ब्राइटन भी होती है। तो आई लव पील ऑफ मास्क। और जब हम इसे निकालते हैं तो हमारे थोड़े बहुत फेशियल हेयर भी साथ में निकल आते हैं, स्किन टाइटन भी हो जाती है एंड इसके निकालते समय थोड़ा सा पेन फील होता है, बट उसके बाद जो स्किन पे जो फील आता है वो बहुत अच्छा आता है। सो आई टोटली लव इट। तो पूरा पील ऑफ मास्क निकालने के बाद इसको धो लेना है, फेस को क्लीन कर लेना है पानी से। तो आप इसको महीने में एक बार कर सकते हैं। देन उसके बाद अब मैं, क्योंकि हमने इतना किया है, उसके बाद हमारे जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, तो उसको हम क्लोज़ करेंगे। एंड क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे हम टोनर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास है हिमालय का बायो कुकुम्बर टोनर, जो पोर टाइटनिंग टोनर होता है, विद हिमालयन वाटर है। सो आप अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन मैं यूज़ कर रही हूँ जेल। ये है वाओ का हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल है एंड इसमें विटामिन ई और B5 है। ये डीपली हाइड्रेट करता है स्किन को एंड स्किन को रिविटलाइज कर देता है एंड टोनिंग में भी काफ़ी हेल्प देता है। सो हाइड्रेटिंग है, काफ़ी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड विंटर्स में तो हमें चाहिए होता है हाइड्रेशन। सो इसको मैं लगा रही हूँ पूरे फेस पे। स्किन को जितना आप हाइड्रेशन देंगे या मॉइस्चराइजेशन देंगे तो उतनी ही स्किन ग्लो करेगी एंड फाइन लाइन्स रिंकल्स कम आएंगे, स्किन आपकी यूथफुल रहेगी। सो इसको अच्छे से लगा के मॉइस्चराइज कर लीजिए। देन लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ बायोडर्मा का ये मॉइस्चराइज़र है, अल्ट्रा नरिशिंग मॉइस्चराइज़र है और ये बहुत ही सूदिंग है एंड रिपेयर करता है, स्किन को सूद करता है। सो ये जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये दिस इज़ गुड फॉर नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छी है एंड सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। सो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपको नायका पे या अमेज़ॉन पे आसानी से मिल जाएंगे। एंड लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर पॉप की ये लिप बाम है, ये नरिशिंग लिप बाम है। मेरे पास जो है वो शेड नंबर 07 प्लम है एंड ये भी काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, जो आप ट्राई करके देख सकते हैं। ये शुगर पॉप से है। सो ये आफ्टर डूइंग दिस स्किन केयर रूटीन आई वॉज फीलिंग वेरी गुड एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।